उत्तर प्रदेश में दबंग खाकी से बिल्कुल बेखौफ हैं। अब दबंगों ने पीलीभीत के नगर पंचायत के लिपिक सफाई कर्मियों और लेखपाल को जमकर पीटा है। दबंगई का प्रमाण देते हुए दबंगों ने सरकारी अभिलेख फाड़ दिए। आरोपों की माने तो दबंगों ने धारदार हथियार लेकर भी पीड़ितों पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद बमुश्किल सरकारी महकमे के लेखपाल और लिपिक व सफाई कर्मी अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। पुलिस ने लिपिक और लेखपाल से मिली शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। ताजा मामला पीलीभीत के नयूरिया थाना क्षेत्र का है, जहां शिकायत की जांच करने के लिए क्षेत्रीय लेखपाल के साथ नगर पंचायत नयूरिया हुसनपुर के लिपिक दया सागर पहुंचे थे। इस दौरान सफाई कर्मी भी मौजूद थे, तभी बेखौफ दबंगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दबंगों की गुंडागर्दी देखी जा सकती है। लिपिक और लेखपाल पैमाइश कर रहे थे, तभी सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए दबंगों ने इन्हें पैमाइश करने से रोका और इतना ही नहीं गाली गलौच भी की। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर में बड़े बाबू दया सागर मेरा नाम है। लेखपाल साहब ऑफिस में आए थे लगभग 4 बजे और उन्होंने मुझसे कहा कि बोले कि IGRS के 2 संदर्भ हैं पड़े हुए, एक लियाकत हुसैन नई बस्ती खब्बापुर से और एक हैं शिव कुमार मोहम्मदगंज से। उन्होंने IGR डाला रेलवे क्रॉसिंग खब्बापुर से ले और टनकपुर बस स्टैंड तक रोड है, जिस पर कुछ मकानों के सामने कितनी कितनी चौड़ी सड़क है, कितनी लंबाई है, क्या और कौन कब्जेदार है, वो सब मैंने कहा, मैंने चलो वहाँ दिखवा दे रहे हैं आप। लेखपाल साहब और उनके साथ एक और कर्मचारी था, वो सब हम सब लोग लेके और चले गए वहाँ पर। मौके पे जब पहुँचे तो एक हैं जलील अहमद का मकान है वहाँ पर, उनके जलील अहमद के लड़के कमर और इंकलाब और इंकलाब का लड़का सोएब वो एकदम बिगड़ने लगे, झगड़ा करने लगे, बोले यहाँ नाप नहीं होगी, वहाँ नाप नहीं होगी। तो उन्होंने कहा भाई हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ना तुम्हारी ज़मीन ले रहे हैं, केवल नाप रहे हैं। ये घरों के हिसाब से IGRS पड़ी हुई है कि किसके घर के सामने कितना कितनी सड़क है, कितनी चौड़ी सड़क है, किसका कितना कब्जा है। तो वो हम नापने लगे और उसी के बाद में वो थोड़ी देर में गाली फकड़ियों से बात करने लगे, गाली गलौज से। एक उनके घर की एक औरत थी, वो भी लेखपाल साहब से बहुत बदतमीजी करने लगी। और हमारे जो साथ में हमारे जो कर्मचारी गए हुए थे राहुल और दो तीन और कर्मचारी थे, उनके साथ बहुत बदतमीजी करने, और हमारा जो रिकॉर्ड था टाउन का नक्शा उक्सा वो उनने लेके फाड़ने की उसको कोशिश करी। और हमें भी, हम जब बचाने पहुँचे तो हमारे भी गिरेमान पकड़ा और हमारे बटन वटन तोड़ दिए, धक्का धक्का दिया, हम तो गिर गए नीचे। और लेखपाल साहब के साथ भी बहुत बदतमीजी करी, उनका मोबाइल वाइल छीनने की कोशिश करी और उन्हें भी धक्का दिया। और तो हम फिर एक लड़का सोएब नाम का, कमर का लड़का सोएब नाम का, वो बंका लेके गया, बंका बाहर लाया मारने के लिए। तभी हम लोग अपनी जान बचाते हुए सीधे न्यूरिया थाना पास में ही है थोड़ी दूर पे, हम वहाँ पर गए और हमने अपनी तहरीर लिख के, लेखपाल साहब ने तहरीर लिखी जिसमें हम सभी ने दस्तखत करे और थाना न्यूरिया में दे दी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे जो कर्मचारी थे वो हरिजन वाल्मीकि हैं, और तो SC Act में मुकदमा कायम करा जाए और उनके विरोध में सरकारी दस्तावेज उन्होंने छेड़ी करी है उस, वो भी उनके खिलाफ, और सरकारी कार्य में उन्होंने बाधा उत्पन्न करी है, ये सारे मुकदमे उनके खिलाफ करे जाएं। हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो ताकि आइंदा कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई किसी कर्मचारी से कोई हरकत ना कर सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.